तो स्टूडेंट्स हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं एक्सरसाइज 13.7 के, उसमें जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेवेंथ, तो सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर जो जो कोन था उसमें हमारा जो बेस था वो 12 सेंटीमीटर था, 12 को बेस मान के इसी के यानी एक एक्सिस जैसा है और इसके चारों तरफ ये ऐसे रोटेट करेगा तो जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम हमें फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर पता करना था। क्वेश्चन नंबर एट में ये कह रहे हैं कि अब जो एक्सिस है वो सेवन है, इस सेवन के अराउंड ये रोटेट करे, इस ये एक्सिस सेवन है और ये वाला हिस्सा इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करे तो ये कोन बन जाएगा एक, ठीक है। तो इस कोन के अंदर अब जो हाइट होगी, अब जो हमें हाइट मिलेगी कोन की एच वो होगी 12 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, अब जो रेडियस मिलेगी हाइट मिलेगी 5, क्योंकि हाइट तो ये होगी ना, कोन आपका इस तरह से है, ये एक तरह से जो है वो इस शेप में है तो यहां पर हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, अब हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये हाइट होगी इसी के चारों तरफ रोटेट करना है तो हाइट अब इस केस में हो गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मेड है ना, जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो अब इसे देखें 1/3 इंटू पाई को हम इसी तरह रखें क्योंकि इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 8 उसमें हमने जो वैल्यू निकाली है वो 100 पाई है तो इसको भी पाई के टर्म्स में निकालेंगे क्योंकि हमें इसके बाद उसका रेशियो भी निकालना है, रेशियो ऑफ दो वॉल्यूम्स निकालना है, ठीक है, तो हम इसको भी पाई में रखेंगे तो पाई को हम नहीं टच करेंगे, आर 12 इंटू 12 और एच कितना है 5, ठीक है, 3 से काट दो, 3 4 जो 12 48 इंटू 5 पाई, अब आ जाएगा 240 पाई विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन मेड है ना, दिस सॉलिड ये जो सॉलिड शेप होगी कोन की इसकी इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो ये निकलेगा। अब हमें रेशियो निकालना है तो लिखेंगे रेशियो ऑफ सॉलिड मेड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितना था 100 पाई और 8 में है 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10/24, फिर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो 5/12 और रेशियो विल बी 5:12, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं, ठीक है, कोन बन एक कोन जैसे ढेर, हीप जो गेहूं का ढेर है वो कोन जैसा ही होता है, हाइट हमें 3 मीटर दी हुई है, डायमीटर 10.5 दिया हुआ है, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, आर और एच पता है तो हम इसका वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इसको कवर करने के लिए हमें एक कवर बनाना है इस कोन शेप में, तो हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसमें स्पेशल क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है तो थोड़ा केयरफुली इसको आपको करना है, ठीक है, करना वही है, वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इसमें एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हमें पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है एच यानी हाइट 3 मीटर और डायमीटर पता है हमें 10.5 मीटर, ठीक है, और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें रेडियस पता लग जाएगी कितनी 5.25 मीटर,
तो 5.25 मीटर रेडियस हो जाएगी। हमें निकालना है वॉल्यूम, तो पहले निकाल देते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वीट, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई दिया हुआ है 22/7 और आर हमें कितना दिया है, आर दिया है 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच दी हुई है 3, तो 3 से 3 सिंपली आप कैंसिल कर दो। दूसरा 5.25 है, पॉइंट आप यहां से हटाएंगे तो यहां पर 100 आ जाएगा, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7 7 जा 49 और यहां पर 35 बचेगा तो 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसे 25 से कैंसिल, 25 3 जा 25 और 25 4 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कट सकता है, और ये कट सकता है, ये 2 हो जाएगा और ये 11। अब आपके पास क्या बचा, 11 इंटू 3 इंटू 5.25 बाई 2, या बचा 11 इंटू 3 कितना हो गया, 33 इंटू 5.25 बाई 2, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 से, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15, सेम हेयर 5 7 5 1, 5 7 5 12, 7 5 12 13, ये 7 1 1 7 3 2 5, 1 7 3 2 5 पॉइंट लगेगा दो नंबर के बाद, दो डिजिट के बाद, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, यही लगे हाथ, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 1 3, 2 6 जा 12, 1 2, 2 6 जा 12, डाउन करेंगे 5, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा, तो पॉइंट ऑलरेडी यहां आ चुका है, यहां पॉइंट आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 86.625। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ बीट, ठीक है। अब वॉल्यूम के बाद हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, इसे नोट कर ले, इसके बाद फिर मैं कर्व सरफेस एरिया करवाता हूं। सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो हमें एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लेंट हाइट एल चाहिए हमें, ये स्लेंट हाइट एल चाहिए, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो L एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5.25 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 3 या 9 हो गया, प्लस 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5.25 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 और 2 12 1, 5 5 जा 25 1, 26 2 5 जा 10 0 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10 और यहां पर सेम आ जाएगा 5 2 6 2, ठीक है, क्योंकि 5 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 16 6 आ जाएगा 5 7 और 2, 27 और पॉइंट कहां जाएगा 4 के बाद, 1 2 3 4 4 के बाद 27.5625, ठीक है, और इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5625, यानी एल स्क्वायर की वैल्यू आई 36.5625, ठीक है। अब हमें निकालना है, तो एल हो जाएगा यहां पर अंडर रूट 36.5625, तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 36.5625, तो 36.525625 इसको हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, 6 6 जा 36, ठीक है, डाउन करेंगे 56 क्योंकि हम पेयर लेते हैं, 6 यहां ऐड हो जाएगा या 12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बन कुछ भी बढ़ाएंगे तो यहां जा नहीं रहा, तो हम 0 रख देंगे दोनों तरफ,
ठीक है, पॉइंट हमारा यहां आ चुकेगा पहले ही, डाउन करेंगे 25, ठीक है। अब हमें कितने बार दे सकते हैं, हम दे सकते हैं 4 टाइम्स, तो 12 0 4 में 4 टाइम्स ये 4 4 16 और 4 2 8 और 1 4 1 4, तो कितना आएगा 4 8 16, यहां से 15 15 में 6 गया तो 9 0 16 8, 8 0 9 यहां पर आएगा। आप चाहें तो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं अब, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ, कितने भी जीरो बढ़ाइए, ठीक है। यहां पर 4 और ऐड कर लेंगे तो यहां आ जाएगा 12 0 8, ठीक है। अब ये 12 0 8 है, अगर मैं यहां पर लगभग 6 टाइम और दे सकता हूं, 12 है ना, 6 टाइम भी दूंगा तो 12 0 8 6, जरा देखते हैं, जरा सेवन टाइम्स भी जाएगा क्या, हाँ नहीं 6 बार गया है, 7 2 5 1 8 6, तो ये कितने बार जा रहा है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जा रहा है। तो अगर हम इतना ही वैल्यू लेते हैं इसकी, अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 6.046, तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले सकते हैं, 6.05 ले सकते हैं इसको, इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये इतने मीटर आ जाएगा एल। अगर एल आ गया है तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर 5.25 और एच एल 6.05। तो हम वैसे जैसे इसको कैंसिल करते हैं, तो 100 ले लो, यहां से कैंसिल करोगे 75 आएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स और इसको कैंसिल करोगे 2, तो यहां आ जाएगा 11। तो अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 6.05 अपॉन 2, ठीक है। या इसको कहेंगे हम 33 इंटू 6.05/2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 6.05 को 33 से कर लीजिए, 35 जाए 15 और 3 18 हो गया, इतना यहां पर भी आएगा तो 5181 ऐड कर लो, 6991 19965 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19965 डिवाइड बाई 2, जरा देखते हैं कितना आएगा 19965 डिवाइड बाई 2, तो इसको 8 9 टाइम्स 18 1 19, 9 टाइम्स अगेन 1 6 1 6, 8 टाइम्स यहां पर पॉइंट कहां था, 2 के बाद 199.65 था 16, तो 8 टाइम्स चला जाएगा पॉइंट लगने के बाद पूरा पूरा, फिर डाउन करेंगे 5 को, चलो 5 यहां लिख लेते हैं, ठीक है 5 यहां लिखते हैं, 2 2 जा 4 और 1 रह जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे इसमें तो 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, तो मैंने कहा जैसा मैंने बताया था पहले आपको कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, बाकी क्वेश्चन जैसे हमने बाकी किए उसी तरह से, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये यहां तक आपका चैप्टर फिनिश हो गया, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बता रहा हूं, जो 13 पॉइंट वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, 13.8 के बारे में 2 मिनट की एक थोड़ा बात आपको बतानी है उसके बारे में, क्योंकि हमारा जो नया है, जो नया टॉपिक इसके बाद होगा 13.8 के लिए, वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 2 मिनट उसकी बात आप समझ लें, फिर हम 13.8 स्टार्ट कर देते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर स्फीयर, स्फीयर का मतलब है कि पूरा सॉलिड बॉल, अगर उसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें 4/3 पाई आर क्यूब दिखाना है उसको, और अगर वॉल्यूम, अगर वो हाफ हो, अगर फुल स्फीयर है तो 4/3, अगर वो केवल हाफ हो तो उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब कैसे आया है, तो इसमें केवल ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी सिलेंडर है और इसके अंदर, इसको हमने एक ऐसी ट्रे में डाल रखा है जिसमें हम पानी को, अगर इस ट्रे में पानी को फिल किया जाए, किसी भी लिक्विड को फिल किया जाए, तो उसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, इसके ऊपर साइन है इस तरह के, जिससे कि हम इसे
मेजर कर सकते हैं कि कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक कोई भी सॉलिड बॉल को इसके अंदर, इसको हम पहले लिक्विड से बॉटम से ब्रिम तक पूरा फिल करेंगे, इसको हम पूरा बॉटल इस सिलेंडर को पूरा फिल करेंगे और इसके अंदर हम उस बॉल को डाल देंगे। ठीक है, उस सॉलिड स्फीयर को डाल देंगे। जब हम ये पूरा भरा हुआ लिक्विड पूरा ऊपर तक, ब्रिम तक, ऊपर जो इसका किनारा है वहां तक भरा हुआ है, तो इसके अंदर जब हम स्फीयर को डालेंगे तो उस स्फीयर के वेट की वजह से यहां से पानी रिप्लेस होगा, उसके जगह घेरने की वजह से। अगर उसको थोड़ा दबा देंगे, अगला उसको पूरा डुबो देंगे इसके अंदर, स्फीयर होगा तो वो डूब ही जाएगा, लेकिन उसकी वजह से कुछ पानी जो है वो यहां से इस ट्रे में आ जाएगा, कुछ लिक्विड जो है वो ट्रे में आ जाएगा, यानी वो स्फीयर जितना भी लिक्विड हटाएगा इस सिलेंडर के अंदर जाने के बाद, अगर कोई स्फीयर इस तरह से है और वो जितना लिक्विड को हटाएगा वो लिक्विड इसमें आ जाएगा, उसे हम मेजर कर लेंगे और उस लिक्विड की रेडियस मेजर करके और उसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो जो आंसर यहां आएगा, जितने लीटर लिक्विड का आंसर यहां आएगा, उतने ही लीटर वाटर यहां पर भी होता है, ये वाला वाटर और इससे निकला हुआ, कैलकुलेशन से निकला हुआ वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम निकलता है। फिर एक बार बता देता हूं मैं आपको कि अगर इसको बॉटम से लेके ब्रिम तक पूरा फिल करते हैं लिक्विड से और एक स्फीयर इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि हमें उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो उस स्फीयर के इसके अंदर डालने की वजह से जितना भी लिक्विड बाहर इस ट्रे में आएगा, अगर आप उसे लीटर में मेजर कर लेते हैं और 4/3 πr³ इस फॉर्मूले से जो आप कैलकुलेट करके इसका वॉल्यूम अगर लीटर में मेजर कर लेते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, अप्रोक्सीमेट आती है, लगभग सेम होती है। तो इसीलिए हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इतना रखा है, क्योंकि हमने कई बार इसको इस फॉर्मूले को चेक किया है कि इस तरह से जो भी वाटर नीचे आएगा, जो भी लिक्विड बाहर आएगा, वो लिक्विड और इसका वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हो गया, और अगर हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही दो फॉर्मूले हैं, उसके अलावा हमें जो कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं वो यूज करने हैं स्फीयर के, जिसपे वो सरफेस एरिया वाले वो यूज करने हैं, और 13.8 फिर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे।